पाटिल जी के आने से बहुत मतलब 80% का मान के चले 99% सुधार हुआ। अब ऐसे व्यक्ति को ही परेशानी है जो मतलब ड्यूटी करना नहीं चाहते हैं, जो हमेशा कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं। भाषा और व्याकरण दिनांक 18/12/2023 उदाहरण मेरा नाम आदित्य है, उसके कहीं ना कहीं प्रारूप में ये यहाँ पे बच्चों को शिक्षित कर रही है, पढ़ा रही है। जो है ना हमारा जो मिशन चल रहा है उसमें मिशन के तहत है कि 5-5 बच्चों को गोद लेना है। तो जैसे 5-5 कैसे है? नहीं नहीं, जो कमजोर बच्चे हैं 5-5 बच्चे हैं उनको टीचर्स में डिवाइड कर देना है। 5-5 मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। और देश के प्रधानमंत्री? हाँ, नरेंद्र मोदी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है? बैठने की सैलरी नहीं मिल रही, बैठने की सैलरी नहीं मिल रही, बैठने की सैलरी और आम आदमी के टैक्स का पैसा दिया जा रहा है। तो अगर सरकार हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है तो हमें भी चाहिए कि जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरी तरह मानना पड़ेगा। जी, कर रहे हैं हम लोग। डेली ये 5 बच्चे रहते हैं और भी बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते रहते हैं। 5 हम लोगों को लेना, 5 से लेना बताया जाता है। वेट के बारे में, टाइमिंग के बारे में, वेट के बारे में बताते हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लस वो जो घड़ी है, अकाउंटिंग की क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पदस्थापना विवरणी, शिक्षक का नाम, जन्म तिथि, उनका योगदान, कब से ज्वाइनिंग किए, योग्यता और मोबाइल नंबर, हर चीज यहाँ पे दिए हुए। महज यहाँ पे 4 टीचर है, 5 क्लासरूम है। नमस्कार, देखिए हम अभी उपस्थित है रघुनाथपुर में, सिवान जिला का रघुनाथपुर है। रघुनाथपुर का ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहेली अंचल रघुनाथपुर जिला सिवान है। और हम आपको समय दिखाए तो थोड़ा सा दिखाइए, मोबाइल दिखाइए, हम आपको समय दिखा रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग बिहार सरकार आज के समय में सुधार में लगा हुआ है, और उसी सुधार के क्रम में एक अच्छा चीज मुझे दिखा। एक वीडियो मैंने चलाया हुआ था जिसमें बहुत सारे टीचर लोग का सवाल था कि आप निगेटिव चलाते हैं, बट मैंने पॉजिटिव चीज भी चलाने के लिए यहाँ पे मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे दिखा। टाइम आपको दिखाया तो टाइम देख सकते हैं 3:54 हो रहा है, यानी 15:54 बोले तो 4 बज गया है, और 4 बजे यहाँ पे दक्ष क्लास चल रहा है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं मास्टर साहब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सोचिए, जो दक्ष क्लास का सपना है, जो बिहार के अपर सचिव केकर पाठक जी का सपना है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग साकार करने का काम कर रहे हैं। महज यहाँ पे 1-5 का क्लास है, लेकिन यहाँ 3-5 ये 3 क्लास यहाँ पे चल रहे हैं, और इसको चलाने का सुचारू रूप से काम यहाँ पे चल रहा है। तो हम सीधे तौर पर यहाँ के स्थान मास्टर साहब इनसे भी वार्ता करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और ये हेडमास्टर साहब थोड़ा इनसे हम वार्ता कर लेते हैं, फिर हम क्लास के अंदर चलेंगे। सर क्या नाम है? सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र शाह कौन से हेडमास्टर है यहाँ पे पहले? सर बहुत सारे स्कूल में होता है कि 3:30 हुआ, छुट्टी का टाइम हुआ, बंद करो चलो घर। आपका ख्याल क्या है, मतलब अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे तक आप यहाँ पे हैं? सर हमको तो अभी 5 बजे तक उठना है ना, क्योंकि अभी क्या है दक्ष क्लास चल रहा है, और जो सरकार की मंशा है कि हमारे जो बच्चे मतलब कि जो थोड़ा सा मतलब डिमोरलाइज हो रहा है, यानी कि जो बच्चे शिक्षार्थी रूप से कमजोर है, उनको हमको दक्ष करना है। मानना ये हमारा ये प्रयास है तो जितना जितना बेहतर से बेहतर हो सके। देखिए ये कहीं ना कहीं एक सराहना के क्या नाम हो सर? सुरेंद्र जी, एक सराहना के हैं कि आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, बहुत अच्छी चीज लिखा हुआ है। देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के, जो कि हमारे कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। और आइए हम यहाँ पे दिखाते हैं, आपके क्लास चल रहा है, और सरा सकते हैं, सरा सकते हैं। और देखिए हम यहाँ पे हैं, और महज ये 6 बच्चे हैं, बावजूद यहाँ पे क्लास चल रहा है और सर पढ़ा रहे हैं मिशन दक्ष 2। थोड़ा सा दिखाइए इसको, आज डेट है 18/12/2023 दिनांक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहेलिया, मात्रा कहाँ कहाँ पे लगता है इस चीज बताने के यहाँ पे कार्य सर के द्वारा इन बच्चों को दिया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टेबल है जो लिखा हुआ है पहाड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 से लेकर 10 तक। ये कौन सा क्लास है सर? ये 4 क्लास है। 4 क्लास है। क्या नाम है सर? मेरा नाम चित्रसेन है। चित्रसेन है इनका नाम। और एक तरफ आपको दिखाएं तो इधर देखिए बहुत बेहतर है, ये आई इधर लिखा हुआ है, उधर एप्पल लिखा हुआ है जेड का, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है।
इधर आपको कमरा वगैरह मिल जाएगा और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काउंटिंग है 1 से लेकर 100 तक आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था है और मैं अपील करता हूँ कि खास तौर से और जितने सारे स्कूल है वहां की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ पे फैन की भी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं फिलहाल ठंडा है तो नहीं चल रहा है, अदरवाइज गर्मी का ठंडे की व्यवस्था है। अच्छा सर क्या कहिएगा, कहीं ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि आप दक्ष के मिशन दक्ष के माध्यम से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां 6 बच्चे हैं फिर भी आप क्लास ले रहे हैं। जी सर ऐसे है कि पहले मैं आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हमारे माननीय के पाठक जी का ये आदेश है, उनका आदेश हमारे शिरोधार्य है और इन्होंने जो आदेश दिया है हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्लास में 100% बच्चे जो है सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी होती है, वैसे बच्चों को हमें अपने गोद लेना है और वैसे बच्चों को दक्ष कर देना है। इस मिशन के तहत हमें बच्चों को दक्ष कर देना ताकि वह बच्चे पढ़ाई से पीछे ना हो और वह आगे अपने फ्यूचर में कुछ कर सके। देखिए एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि महाजनों की ड्यूटी है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, यानी टोटल बात करें तो 8 घंटे की। एक चीज आपको बताएं तो लोग आज के समय में जिस प्रकार से बिहार की स्थिति है, शिक्षित नहीं हो पाते, पढ़ लिख नहीं पाते, तो बाहर में जाते हैं 12,000 रुपए 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं, प्लस कहीं ना कहीं बात भी सुनते हैं कंपनी ओनर सुपरवाइजर जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे ईमानदारी से ड्यूटी करने में शिक्षकों की कहीं आनाकानी हो जाती है। ये तो है, ईमानदारी से ड्यूटी हो जाती है, हो जाती है, लेकिन हमारे पाठक जी के आने से बहुत 80% का मान के चले 99% सुधार हो गया। अब ऐसे व्यक्ति को ही परेशानी है जो ड्यूटी करना नहीं इतना ही चाहते, जो हमेशा कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे टीचर को कोई दिक्कत नहीं है। आज एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताया तो के पाठक के आदेश के बाद 2,40,000 ऐसे बिहार से स्टूडेंट को निकाला गया जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। वैसे निकाले यहाँ से भी निकाला गया जी, यहाँ से 8 बच्चों को नाम से काट कर निकाला गया जो रेगुलर क्लास नहीं, चौथी क्लास नहीं, टोटल मिलाकर बताइए यहाँ से निकाला गया। आज मीडिया के आइए दूसरे क्लास में भी चलते हैं। सर बहुत थैंक यू, वेलकम, इस चीज बेहतरीन, आइए दूसरे हम क्लास में चलते हैं। जी सर यहाँ पे एक चीज जो है अंदर रूम की व्यवस्था या फिर जो चीजें लिखी गई ये है क्लास आपका कितना 4 5 है, अंदर आ सकते हैं मैम, ठीक है आप अंदर आते हैं। यहाँ से भी थोड़े में 6 बच्चे हैं, अंदर आ जाइए दिखाइए, यहाँ पे 6 बच्चे हैं और इन लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था। और मैडम इन लोगों के लिए टेबल कुर्सी वगैरह, सर टेबल कुर्सी की व्यवस्था तो 1-5 के लिए अभी सरकार की तरफ से नहीं की गई है। अच्छा है ही नहीं, नहीं सरकार की तरफ से, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बेंच थोड़ी बड़ी होते हैं, बैठ जाओ, तो बच्चों को लिखने में बैठ के दिक्कत होता है। वैसे सरकार की तरफ जैसे हम प्राइवेट स्कूल वगैरह में देखते हैं छोटे छोटे टेबल चेयर रखे हैं, तो सरकार को उस तरह की व्यवस्था अगर सरकार करती है तब बच्चों के लिए क्या नाम है, गरिमा कात्यानी जी हैं। देखिए यहाँ पे मिशन दक्ष 2 भाषा और व्याकरण दिनांक 18/12/2023 उदाहरण मेरा नाम आदित्य है, उसके कहीं ना कहीं प्रारूप में ये यहाँ पे बच्चों को शिक्षित कर रही है, पढ़ा रही है। कौन सा क्लास, क्लास 5 है और 6 बच्चे हैं। नहीं सर बच्चे तो हैं और लेकिन दक्ष के तहत जो है ना हमारा जो मिशन चल रहा है उसमें मिशन के तहत है 5-5 बच्चों को गोद लेना है। तो जैसे 5 कैसे है? नहीं नहीं जो कमजोर बच्चे हैं 5-5 बच्चे उनको टीचर्स में डिवाइड कर देना है 5-5 बच्चों को। तो मतलब आपके यहाँ 3-5 है, यानी 1-5 है, तो 1-2 चलेगा नहीं, 4-5 है, नहीं 1-2 चलेगा नहीं, वो 3:30 में छुट्टी हो जाता है और 1.5 घंटे जो होगा उसमें आप लोगों को 5-5 डिवाइड करना है। तो सर जैसे सब बच्चे हैं तो सारे कमजोर नहीं होते, कुछ ही बच्चे कमजोर होते हैं, तो जिसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं, तो 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें जैसे 6 बच्चे हैं हमारे साथ और 6 बच्चों और सामने वाले में भी 6 बच्चे थे। हाँ जी 6 बच्चे थे। इन बच्चों के प्रति जो एक चीज सवाल उठ जाता है, खासतौर से आप लेडीज हैं, बहुत सारे आज के समय मैसेज आ रहा है सोशल मीडिया में कि मैडम लोगों को जाने में आपको लेट हो जा रहा है, वैसे मैडम उनसे क्या कहिए? सर जैसे कि मैं खुद आती हूँ 25 किलोमीटर सिवान से। अच्छा 25 किलोमीटर डेली अपडाउन में करती हूँ, तो सर कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत है, जैसे बहुत आउटर एरिया में यहाँ स्कूल दे दिया और ये आउटर एरिया है लड़कियों, तो मैं यहाँ से
निकलती हूँ, 5 बजे निकलती हूँ, मुझे जाते जाते लेट हो ही जाता है, देर हो जाता है, तो थोड़ा पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है। जैसे हम तो डेली आ जा रहे हैं तो हमें पता है कि उतना दिक्कत नहीं होगा, बट जो घर पे पेरेंट्स हैं उनको ज्यादा दिक्कत होता है। वो लोग मतलब घबराते हैं इस चीज से, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लड़की अकेले है, जाम में फंस गई, कितना लेट हो जाएगा आने में, और कहीं ऐसा एरिया की देखते ही जाम लग ही जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उस चीज के लिए अपील है कि एक चीज है रहेगा, एक चीज कहीं ना कहीं मैं शिक्षकों के लिए जो बीपीएससी से बाली उनके लिए पाठक जी का आदेश है कि 15 किलोमीटर के दायरे में आपको अपना रूम लेना है। ये बीपीएससी से आप नहीं है? नहीं, बीपीएससी से हूँ। आप इसी साल ज्वाइन हुए हैं? जी, अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, 1 महीने से भी कम हुए अभी। अच्छा, 1 महीने से भी कम हुआ। अच्छा, ये जो अभी निकला उसमें है मैडम, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं है तो मैडम आदेश है कि 15 किलोमीटर दायरे में रहना। तो सर जैसे अचानक से सर ने ये लेटर निकाल दिया, थोड़ा पहले से आपका वहाँ पे था? नहीं, पहले से जब मैं पूर्ण नियोजित टीचर हूँ, तो पहले नियोजित थी, तो मैं जहाँ थी वहाँ 10 किलोमीटर का रेंज था मेरे घर से, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप को सेट करने में, 15 किलोमीटर के रेंज में दूरी ज्यादा है, और फिर घर भी देखना है, रूम देखना है, फिर सब कुछ एडजस्ट करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा लेडीज के लिए प्रॉब्लम है इस चीज को, मैं जानता हूँ, उनके भी सकता हूँ, क्योंकि शाम का समय है। देखिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या नाम हुआ? संजना कुमारी। किस क्लास में हो? 5 में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? और देश के प्रधानमंत्री? हाँ, नरेंद्र मोदी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है? हाथी। अम्ब्रेला? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का स्पेलिंग बता दो बाबू। छाता, छाता, UMBLER। देखिए कहीं ना कहीं हम इसको गुडविल में कह सकते हैं कि 5वीं क्लास की बच्ची है, और जिस प्रकार से अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम कहा जाए तो उस स्टैंडर्ड का कहने की थोड़ी सी त्रुटि है, बट सही है। कहीं ना कहीं मैडम लोगों का प्रयास है, सर का प्रयास है, जिसको कहीं ना कहीं सुधारने का काम कर रहे हैं। सामने देख सकते हैं बोर्ड पे लगा, थोड़ा सा जूम करके देखा, फलों के नाम घरेलू और पालतू जानवर, बैठ जाओ, शरीर के अंगों के नाम बॉडी ऑफ पार्ट्स। ये आप देख सकते हैं बिहार के महान व्यक्ति कहीं कहीं फ्रीडम फाइटर, वैसे लोगों का यहाँ पे नाम है जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं दक्ष के माध्यम से, मुझे लगता है कि मैडम के प्रयास से और ज्यादा कहीं कहीं लोगों में सुधार आएगा। तो मैं अपील करता हूँ वैसे टीचरों से और वैसे गार्जियनशिप से जो समय से पहले स्कूल बंद करके चले जाता है, चार हो रहा है फिर भी ये स्कूल चल रहा है, ऐसे स्कूल बनाना चाहिए, और ऐसे बच्चों को कहने सुधार करेंगे आगे जाकर के, कहने इनका भविष्य सुधरेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, इससे आपत्ति नहीं होने चाहिए। मैडम आज के समय आपत्ति हो जाता है, लोगों को कहते हैं मास्टर साहब लोग के सैलरी तो मिल रही है बट क्या होता है कि टाइम उन लोगों को ज्यादा देना पड़ जाता है। सर देखिए बच्चों पर अगर टाइम दिया जाएगा तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, ये तो बात सबको पता है। तो सर अगर सैलरी हमें मिल रही है तो मैं यही कहूंगी कि सैलरी मिल रही है तो बैठने की सैलरी नहीं मिल रही, बैठने की सैलरी, और यहाँ आदमी के टैक्स का पैसा आपको दिया जा रहा है, तो अगर सरकार हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है तो हमें भी चाहिए कि जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरी तरह निर्वहन करे। सही बात है, ये होना चाहिए। थैंक यू मैम, ये चीज होना चाहिए और ऐसे करेंगे बच्चों का सुधार होगा और आगे चल करके ऐसे बच्चे। और सर एक चीज रहेगा आपका कि बहुत अच्छा प्रयास है, आप ऐसे हेडमास्टर होने के नाते जितना आप यहाँ पर अनुशासन किए हुए हैं जो क्लास है वो चला रहे हैं, और ये चीज आगे जाकर कभी मतलब डेली 5 बजे तक चलता है, डेली सैटरडे को भी चलता है, उसमें भी कटौती नहीं है। बहुत बढ़िया बात है कि डेली कहीं ना कहीं इनका 5 बजे तक क्लास चलता है, और 5 बजे चलाने के बाद मैडम जैसे कि दूर से आती हैं, बावजूद उसके 5 बजे तक रहती हैं, थोड़ा सा हो जाता है, कोई नहीं उससे चलता है, लेकिन 3:30 में ना जाए डेली का हम लोग रूटीन सर कि हम लोग क्लास चलाते हैं, मतलब बच्चों के भविष्य को बनाना है। चूंकि सर हमारी जो बहाली हुई है, आप भी बीपीएससी से हैं? अच्छा, तो जो हमारी बहाली है बच्चों के प्रति हमारा दायित्व ही बनता है ना कि हमको कुछ करना है, बिल्कुल, और हम मानेंगे समय से भी घर चले जाए कि हमारे टाइम टेबल बन जाए, अच्छी बात नहीं है। आपको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आम आदमी की इनके टैक्स के पैसा से आपको सैलरी मिल रही है, आपकी घर चल रही है, और उसी का नतीजा कहने का परिणाम अगर सही नहीं रहेगा तो सोचिए। एक सामने देख सकते हैं वहाँ पे क्लास चल रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं सामने क्लास चल रहा है, वो कौन सा है सर? 3 है।
तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अभी के समय में मैं ऐसी अपील करता हूँ कि बहुत बेहतर है और बहुत बढ़िया है। एक चीज मैं थोड़ा सा आइए आपको ऑफिस दिखाता हूँ सर का, जो ऑफिस है वो काफी बेहतर बनाए हुए हैं और यहाँ पे मध्याह्न भोजन का यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है। सोमवार को क्या मिलेगा, मंगलवार को क्या मिलेगा, बुधवार को क्या मिलेगा, गुरुवार को क्या मिलेगा, शुक्रवार को क्या मिलेगा और शनिवार को क्या मिलेगा। आइए थोड़ा सा मैं थ्री क्लास जो है इसमें लेकर के आपको चलता हूँ और ये भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे क्लास थ्री चल रही है। देखिए अनुशासन सरा सकते हैं, देखिए आगे देखिए यहाँ पे पांच बच्चे हैं दक्ष मिशन के तहत, जैसे कि मैडम ने बताया कि महज पांच बच्चे और यहाँ पे भी सर पढ़ा रहे हैं मिशन दक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहेलिया रघुनाथपुर। और ये नाम है, किताब है, गमला है, सलमा है, कमला है, किसान है, तो ये लिखने के लिए दिए, लिखने के लिए दिए। क्या नाम है सर? राजेश प्रसाद। सर मिशन दक्ष के तहत जो आप लोग क्लास करा रहे हैं इसमें परेशानी आप लोग को नहीं होगी? क्या कीजिएगा सर, राजेश है, सरकार है, तो मानना पड़ेगा जी, कर रहे हैं हम लोग परेशानी। डेली ये पांच बच्चे रहते हैं और भी पढ़ते हैं इसमें, पढ़ते रहते हैं। पांच हम लोग को लेना है, पांच लेना है, कमजोर बच्चे हैं, चुनना है उन बच्चों में से पांच बच्चे और फिर इनको एक्स्ट्रा डेढ़ घंटे देने हैं। वही कमजोर बच्चों को हम लोग देखते हैं। ये क्लास कौन सा है सर? थ्री क्लास है। सर बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे टीचर भी हैं, जो मुझे लगता है कि चार आठ हो रहा है, घर चले गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रघुनाथ बुलाऊंगा, अभी सभी लोग पांच बजे तक रहे हैं। बहुत सारा ऐसा है सर, देखने को छिटपुट हो सकता है, हम भी पा सकते हैं कि हो सकता है, हो सकता है, इसको पूरा क्लियर नहीं माना जा सकता है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। आपका और आपके ये स्कूल का और साथ के साथ मास्टर हेडमास्टर साहब का बहुत बड़ा, ये मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं का निर्वाहन है जिसके बदौलत यहाँ पे क्लास चल रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग रुके हुए हैं। डेली पांच बजे तक रुकना होगा? पांच बजे हर हाल में रहना है। लोकल है? हाँ लोकल है, लोकल लेकिन समय दे रहे हैं, समय तो देना है, सैलरी ले रहे हैं तो काम कर रहे हैं, राइट। थैंक यू सर। देख सकते हैं ये चीज होना चाहिए कि सैलरी ले रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं सर का ऑफिस। ऑफिस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऑफ कैमरा गया हुआ था, देखा यहाँ पे, और ये रोड पे क्लास है, रोड पे क्लास चलता है, बावजूद यहाँ पे देख सकते हैं अनुशासन है, हर चीज की व्यवस्था है। आइए हम आपको सीधे ऑफिस में आपको दिखाते हैं। देखिए ऑफिस देख सकते हैं सर का ऑफिस कितना बढ़िया यहाँ पे लगा हुआ है। हैप्पी गांधी जयंती 2 अक्टूबर ये जब निकला हुआ तब का है, देख सकते हैं इधर गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री अम्बेडकर जी है, संविधान निर्माता स्वामी विवेकानंद है, भारत माता है, इधर लाल बहादुर शास्त्री जी है, हर कोई है। और यहाँ पे जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, टेबल वगैरह हर चीज, ये सर आपका ऑफिस हुआ जी, ऑफिस हुआ, अटेंडेंस वगैरह सब चीजें होता है जी, सब चीज। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाया कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है सर? ये सब चीज है ना, ये बच्चों का ये टीएलएम है, इससे बच्चों को मतलब की बताया जाता है वेट के बारे में, टाइमिंग के बारे में, जैसे ये सर तराजू इसकी वेट के बारे में बताते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लस वो ये घड़ी है, ये काउंटिंग ये क्या बोलते हैं जाट टाइप का, ये वही सब, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पदस्थापना विवरणी, शिक्षक का नाम, जन्म तिथि, उनका योगदान, कब से ज्वाइनिंग किए हुए, योग्यता और मोबाइल नंबर, हर चीज यहाँ पे दिए हुए। महज यहाँ पे चार टीचर है, पांच क्लासरूम है और चार टीचर इंक्लूडेड हेडमास्टर, यानी सुरेंद्र शाह, राजेश प्रसाद, चित्रसेन, गरिमा, कत्यानी, ये चार यहाँ पे टीचर है। इनकी योग्यता भी यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं सभी योग्य टीचर है, कोई बीए है, कोई एमए है, कोई बीए प्रशिक्षित है, प्रशिक्षण है, कोई बीए कॉमर्स प्रशिक्षण, तो ये लोग कहीं ना कहीं एजुकेटेड है और मुझे लगता है क्लास फाइव तक के लिए काफी एजुकेटेड टीचर है। बीए है सर, बीए है सर और काफी एजुकेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं बुक वगैरह है, हर चीज यहाँ पे क्लास वन का है, क्लास थ्री का है, ये चहक है, इसका भी एक अभियान चला था, नहीं सर चहक का भी चला था एक अभियान, इसमें सब बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे तो। और ये कैसे खेल सामग्री किट वगैरह है, आप देख सकते हैं। तो मैं अपील करता हूँ वैसे टीचरों से और वैसे कहीं ना कहीं मास्टर साहब लोगों से, जो कहीं ना कहीं क्लास समय से बंद कर समय से पहले चले जाते हैं, प्लीज ऐसे टीचरों से, सुरेंद्र जी जैसे टीचरों से आप लोगों को सीखने की जरूरत है, कृपया सीखिए और सीख कर कहीं बच्चों को योग्य बनाइए, क्योंकि हमारा बिहार वैसे ही बदनाम है।
और बिहार आज के समय में जो अन्य प्रदेश है दूसरे नजरिया से देख रहा है, प्लीज देखने का नजरिया आप ही लोगों के हाथ में बदलने का प्रयास करिए। चलिए तो कमेंट करके बताइए क्या वाकई में आपके यहां भी ऐसे क्लास समय से चलते हैं या फिर नहीं चलते हैं। जय हिंद।